अंदर है, आम के बागात के अंदर होना बहुत मुश्किल होता है, किसी से परमिशन लेके लिए उन्होंने भाई ने कहा भराने, तो मैं कहा चलो ये पूरा आम का ही होता है क्योंकि ये है अपना फ्रूट फार्म। यहाँ पे है ना, हर यहाँ पे थोड़ा कम होते हैं लेकिन फ्रूट्स यहाँ पे भी लगते हैं। यहाँ पे मीरपुर खास का मशहूर है आम, सिंदड़ी यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, सिंदड़ी आम यहाँ पे बहुत मशहूर है। मीरपुर खास का सिंदड़ी आम जो भी खाएगा वो बोले वहाँ पे बहुत अच्छा, क्योंकि हर जगह का अलग अलग टेस्ट होता है। पंजाब का अलग होता है, सिंध का अलग है, तो सिंध का यहाँ पे मीरपुर खास का ना सिंदड़ी आम बहुत VIP होता है। सिंदड़ी हो दूसरे हो वो जितने भी हैं यहाँ के अच्छे होते हैं। पंजाब वाले में थोड़ा लाल लालपन होता है और ये अच्छा होता है, इसमें थोड़ा पीलाट तो होते हैं लेकिन जायका भी अच्छा होता है, केरी भी अच्छी होती है यहाँ की। तो ये अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोग उम्मीद है खैरियत से हैं गाइस। आज हम आए फ्रूट फार्म में, तो हमारा चल आपको यहाँ का दिखाते हैं। यहाँ पे केरिया भी है और पहले अभी यार आम सीज़न यार शुरू होने वाला है, तो आज ईद का दूसरा दिन है, आपको ईद का दिन दूसरा दिन मुबारक हो। और आज हम तो यहाँ का दिखाएंगे पीछे का, अब मैंने देखा है बिहाइंड द सीन इधर है ना, यहाँ पे अभी आम के दरख्त भी हैं कुछ ऐसे बेहाल तो पौधे भी हैं, और इसमें यार फ्लावर की भी है, सूरजमुखी भी है, आपको दिखाता हूँ गाइस। ठीक है, ये देखें यहाँ पे, ये यहाँ पे सूरजमुखी का पौधा है, और मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। वहाँ पे वो जो है ना चौकीदार, वो बंदा जो खड़ा बोल रहा है वो कौन खड़ा हुआ है उधर, वो वहाँ पे वो कौन खड़ा हुआ है वहाँ पे, वो ना चौकीदार है, वो जो है ना चौकीदार वहाँ पे नज़र रखा हुआ है। कहीं ना तोड़ रहा है आम आम, क्योंकि इनकी है ना इनकी ये नौकरी होती है भाई, है ना आम ना टूटे कहरी वरी। तो ये यहाँ पे नीचे आपको दिखाता हूँ, नीचे नीचे ये देखें यहाँ पे, ये देखिए केरी, माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी बड़ी केरी हो गई माशाल्लाह, एक टटक करके तोड़ दो। लेकिन तो यहाँ का ये हमारे भाई आ गए, भाई क्या हो गया, थोड़ी थोड़ी केरी देखिए, सिंध का देसी आम यहाँ में, ये केरी है, वक्त के साथ आम बनेगा, मैं आपको ये चौसा बनेगा, चौसा भाई चौसा। ठीक है, तो आपको हम यहाँ की सबसे जो है क्या बात है सौगात बताते हैं कि सिंध का सबसे नंबर वन चीज़ जो मानी जाती है वो है सिंध का आम। और सिंध का आम कहाँ से आता है, कहाँ से आता है, ये हमारे खास शहर मीरपुर खास से आता है। जी हाँ, मीरपुर खास है, यहाँ की हर चीज़ है खास। और ये है मेरे ख्याल से चौसा है ना, शायद चौसा है लंगड़ा है, ये तो भाई वक्त आने में बताएगा भाई, चलेगा जब से कारपेट लगाएंगे। ठीक है, तो ये पीले पीले ये क्या, सूरजमुखी के फूल लग रहे हैं, हाँ सूरजमुखी के फूल हैं। और इसमें यहाँ पे है ना पहले फ्लावर भी थे, मेरे कुछ टाइम वहाँ पे थे, अभी पता नहीं क्या फ्लावर नहीं यहाँ पे, तो यही चल रहा है अभी यहाँ पे। तो ये दो दो ही चीज़ें, जामुन के दरख भी है, अरे भाई जामुन का दरख भी, लेकिन जामुन पता नहीं है, नहीं है जामुन इसमें अभी है नहीं, होगा दोनों तो जामुन अभी उतर गया ना, अभी तो जामुन उतर गया, जामुन उतर गया, तो जामुन जी वाले जामुन का इसके पत्ते बड़े होते हैं, इसकी निशानी ये माशाल्लाह, ये देखें जामुन का, ये इसमें अभी जामुन नज़र नहीं आ रहे, मैं आपको जामुन का भी यहाँ का दिखा था। और ना जो शाम के टाइम में आपको यहाँ का ब्लॉग का यहाँ पर हम दिखा दें, और आम का भी होता है और शायद चीकू का भी होता है, पता करते हैं चीकू का। भाई सामने जो भाई खड़े हैं इनसे बात करते हैं और इनसे मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, और अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, ठीक है, तो आपका नाम क्या है भाई? अनवर अली। अनवर अली, कितने टाइम से काम कर रहे हो यहाँ पे, कितने टाइम से काम कर रहे हो? अभी सीजन के आम में काम करते हैं, सीजन के, सही है। अच्छा, तो यहाँ पे चीकू का कहाँ है, पौधे कहाँ है, पौधे चीकू बड़े वाले, बड़े वाले यानी दरख्त कहाँ है चीकू के, दरख उस तरफ भी है। अच्छा, वहाँ पे भी है, यहाँ से नज़दीक है, जैसे ऐसे जाओगे ना, सही है, ऐसे मोड़ा गया फिर ऐसे मोड़ा गया सामने चीकू चीकू, ठीक है। और इस सीट में इस पे आम है सर, यहाँ पे आम है। और कौन कौन से लगते हैं फल यहाँ पे, यानी कौन जी, खीरू, ये क्या चीज़ है, खीरू छोटा सा दाना सा है, वो उसमें जायकेदार है, जैसे दूध जैसा उसमें रस है। अच्छा, और ये कहते हैं जामुन का भी लगता है, जामुन जामुन का इधर भी, अच्छा आम तो ही, आम में ही है ना, अभी कौन सा लगा हुआ है, अभी आम लगे हैं, अभी जामुन भी लग रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, चौसा वौसा। ओ गाइस, यहाँ पे आगे जाके लगता है जैसे कि चीकू, अब मैं वहाँ पे जा नहीं सकता, मेरा रास्ता थोड़ा ख़राब भी है, तो पता नहीं अभी चीकू का सीज़न, अभी चीकू का सीज़न चल रहा है, चीकू का सीज़न है। और जामुन का, जामुन का भी, जामुन का भी है। और कुर्बानी, और क्या बोलती है यार, कुर्बानी, कुर्बानी का अमरूद, अमरूद अमरूद तो यहाँ सर्दी में आएंगे, वो वहाँ पे लगता है अमरूद का वहाँ पे, तो अभी तो अमरूद नहीं है, सीज़न नहीं है, तो यहाँ पे ये चीज़ है। और यहाँ पे यार मैंगो फेस्टिवल भी लगता है, मैंगो फेस्टिवल कब लगता है आम का, साल के एंड में कब लगता है पता है आपको, आम आम की, तो गाइस यहाँ पे 4-5 महीने बाद लगेगा यहाँ पे,
ठीक है, यहाँ पे लगेगा अपने कहते हैं यहाँ पे मैंगो फेस्टिवल, वो वहाँ पे लगता है। तो समोसा भी कच्चे हैं, छोटे हैं ना अभी, यहाँ कच्चे हैं, सही बात। चलो फिर ठीक है, चीकू वहाँ पे, चलो फिर गाइस वहाँ चलते हैं चीकू की तरफ, चीकू दिखाते हैं, क्योंकि मैं अभी आपको दो चीज़ तो दिखा दी है, आम का दिखा दिए और आपको जामुन का भी दिखा दिए, जामुन तो अभी सही, जामुन अभी आई नहीं है, सीज़न सीज़न तो है, तो आम का दिखाते हैं। गाइस आप वो देख रहे हैं आम, वहाँ पे आम लगे हुए, यानी अभी सिर्फ तैयार है, अभी बस कुछ टाइम में आम ये बनने वाले हैं, इसके अभी मौत अभी कुछ यार दो बकरे के करीब तरीन आम ये बन जाएंगे इंशाल्लाह। तो आप देख रहे होंगे ये दरख्त ये भी है, और तो गाइस यहाँ पे हमने परमिशन ली है, उन्होंने कहा आप अंदर आके बना सकते हैं लेकिन चीज़ को हाथ नहीं लगाना, जैसे कैरी होगा हाथ नहीं लगाना, तो मैं आपको दिखाऊँ, मैं कहा चलो आपको यहाँ की कैरियाँ दिखाऊँ, और थोड़ा ये देखें कीरी और गुच्छा हाथ नहीं लगा सकते, मना करा हुआ, तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, एक एक साथ पूरा गुच्छा है, और यहाँ पे कीरियाँ हैं, दिल तो चाह रहा है ले लें लेकिन नहीं ले सकते पर, और ऐसे ये है ना आम बनने वाले कुछ टाइम में, और यहाँ का अंदर का मंजर जो आप देख रहे हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि अंदर आने नहीं देते, सिर्फ ये है ना परमिशन से, वो भी किसी परमिशन से हमें मिली है, तो हमने मांगा था, हमें भी नहीं किसी और ने हमसे परमिशन, यहाँ सिर्फ किसी को भी जाते नहीं लेकिन सिर्फ आपके लिए हम लोग यहाँ पर आए। अच्छा, बहुत मुश्किल है इस जगह पे आना, देखिए हमारे सामने आम लगे हुए लेकिन हमें इजाज़त उन्होंने दी है सिर्फ वीडियो बनाने की, वीडियो बनाने के लिए, हाँ तोड़ने की नहीं, आम तोड़ने के लिए नहीं, हमने कहा हम यहाँ मिर्पुर घास के ब्लॉग बनाते हैं, तो हमने कहा मैं तो बता दूँ, मैं मेरे को बताया कि भाई यार मिर्पुर घास के हवाले से हम बनाते हैं, तो उन्होंने कहा अच्छा बनाते वीडियो ब्लॉग बनाते हैं, हमको बताया तो उन्होंने कहा चलो आप यहाँ के ही बना लें, तो ये देखें माशाल्लाह एक पूरा गुच्छा लगा हुआ है, ये किसी किसी को आने देते हैं यहाँ पे, वरना तो यार ये ऐसा गुच्छा लगा हुआ ना हर कोई तोड़ ले इसको, तो ये मुख्तलिफ अंदर अंदर भी है, अंदर दिखा देता हूँ कोशिश करके, तो ये अंदर का पूरा मंजर है, देखें मगरिब का टाइम हो रहा है, तो गाइस मैंने यहाँ पे पूछा है ये बता रहे हैं भाई यहाँ पे, ये मुझे एक टूटी मिली मैंने उठा ली है, ठीक है, और ये बहुत बड़ा आम है माशाल्लाह से, ये देखें आप भी देख रहे होंगे, ये आम है ना बहुत बड़ा है, साइज़ में भी बहुत तगड़ा आम है, अगर ज़रा सा भी खींचे ना तो ये टूट सकता है तो ये देखें ये टूट जाएगा, ऐसा है बना फुल खींचा हुआ है, और फुल जो है ना कह रहे हैं कि बाहर में जाता है एक्सपोर्ट होता है यहाँ से, तो ये यहाँ का तो मुश्किल यहाँ पे आएगा ज़रूर, लेकिन इतना बड़ा आम है माशाल्लाह से, ये वो लग रहा है दशहरी लग रहा है, तो इस हवाले से, तो ये आम का है पूरा, ये कौन सा आम है, अनमोल कह रहे हैं, वाकई में अनमोल, एनमोल डेटोल होता है ना, कौन सा बोलते हैं छोटा वाला बड़ा वाला, तो ये है आम यहाँ पे, ये बड़े बड़े यहाँ पे भी है, ये रे ये भी है, ठीक है, ये छोटा ये यहाँ पे लटका हुआ है, ये देखिए ये फुल बड़ा यहाँ पे भी है, और भी है, और उस तरफ लगे हुए, ये देखें यहाँ पे भी लगा हुआ है, ये देखे बड़ा, तो हम बिल्कुल हम आम के बागात के बना लेते हैं, तो ये आप लाइव देख रहे हैं यानी हमारे रवाना ब्लॉग पे के आम के बागात के अंदर में, ऐसे तो होते ही हैं लेकिन ये अंदर आना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि स्पेशल लोगों के लिए होता है नहीं, क्योंकि ये आम जो है ना बाहर मिल जाते हैं, तो ये इधर आना मना होता है, तो किसी परमिशन लेके उन्होंने कहा आप बना ले बने, तो हमने कहा चलो हम बना लेते हैं, परमिशन लेके अंदर आए माशाल्लाह से, बड़े बड़े आम यहाँ पे अंदर की तरफ, तो फिर हम चलते हैं गाइस, उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी, उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद आई, पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब एंड शेयर, और हमारी तरफ से आपको ईद का दूसरा दिन मुबारक, और अभी तीसरा दिन लगने वाला है मगरिब के बाद ही, तो ये मिर्पुर घास की तरफ से था कि ये ना यहाँ पे फ्रूट फार्म है, यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं कभी इस दिन को ले उसी दिन, हाँ इस जगह जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ना
यहाँ पे पाबंदी, यहाँ पे कारण बहुत कम लोग आने जाते हैं परमिशन के वाले से। जैसे मैं वीडियोस बनाता हूँ व्लॉग के वाले से, मैं यहाँ पे आया हूँ तो उन्होंने मुझे बनाने दी। तो ये ना यहाँ पे बंद नहीं करते, ये बाहर आपको दूर से देखने देंगे। तो पसंद आएगी उम्मीद है गाइस आपको वीडियो, तो सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक कर लो। ठीक है गाइस, अपने नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगा गाइस। ओके, अल्लाह हाफिज़ गाइस। उम्मीद है आपको पसंद आई हुई वीडियो हमारी। नहीं नहीं, अभी तो वीडियो चल रही है ना, चल रही है। जैसे कि अभी हम लोगों को आए हुए तकरीबन यहाँ पे एक घंटा हो चुका है मुश्किल से। तो अभी माशाल्लाह यहाँ पे माहौल बहुत अच्छा है, के हवाले से लोग क्या कहते हैं बड़ी रौनक है इस जगह पर। और अभी हम आपको दिखाते हैं, बैक कैमरा से आप देख पाएंगे कि आप देखेंगे कि इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। ये है फ्रूट फार्म मीरपुर खास का। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा कट कर दिए, कट कर देना। ठीक है, तो कैसा लगा भाई जान आप यहाँ पर आज आए हैं? मुझे बहुत अच्छा लगा भाई, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा माहौल हो रहा है आज का। ईद का, ईद का दूसरा दिन है? नहीं, तीसरा दिन है, दूसरा दिन है मगर के बाद तीसरा दिन है। ये इस्लामी हिसाब से बता रहे हैं शायद? नहीं, मैं तो दोनों तरफ से बता रहा हूँ। अच्छा, दोनों हिसाब से आप बता रहे हैं। ठीक है, तो अभी माशाल्लाह जो है हमारा ब्लॉग कंप्लीट हो गया है। और अभी हम जैसे ऐसे है ना बिहाइंड द सीन है, जब बनाने पीछे से सही चल रहा है, एक दूसरे में गिर गई, कमजोरी आ गई है यार, रोड ही ऐसा चल रहा है यार, रोड चक्कर आ रहे हैं 30 रोज से। अच्छा, ओके, अच्छा, सब मस्ती में लग रहा है। ऐसे चलते हैं, आप मुझे देख के आप बताइएगा, मैं वीडियो में आपको कैसा